उनको पता ही नहीं था कि मेरे को गिरफ्तार कर रहे हैं। एक एक दिन हमारे लिए बिताना मुश्किल हो रहा है जेल की सलाखा के पीछे। किसी आदमी के कोई खरोंच तक नहीं है। FIR करता है, कहता है कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहता, मेरे पास कोई चोट नहीं है, उसके बाद में 307 का मुकदमा। लोग बोल रहे हैं कि जेल गए हो, बहुत बदनामी, वापस कहें लौट सके। एक निर्दोष व्यक्ति जेल जाके किन किन सफाई दे, ईंट से ईंट बजा देंगे यदि प्रशासन नहीं चेता। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ, नौलगट तहसील के अंदर बसावा गाँव पड़ा है, सुमेर जी मीणा ही बाका घरा पूछे। कोई के बीच में जमीन के पीछे विवाद हो गो, तो विवाद के पीछे जो सुमेर जी है माने जेल में दे दिया, तो परिवार को खेणो है कि मैं निर्दोष नहीं, फिर भी माने सजा मिल गई, तो आऊँ आप बातचीत करा। बाकी वाइफ ही अपने साथ में भी के पूरा मामलो यू अपने दर्शन। यो दरोगा हा बारवे का, उनकी जमीन है, कोई पहले की गुरुजी कब से कम भी 20-25 साल पहले खरीदी। गुरुजी है चैनगढ़ का। मैं थारा मतलब के रिलेशन में फ्रेंडशिप है, कुछ को नहीं, हमारा हस्बैंड के साथ साथी, तो वह खरीदी ही। और कुछ दिन बाद में कोई मतलब अतिक्रमण कर लगा वे लोग जो दरोगा ही, वह किसी की सह पर कोई माने सह दे रहे है और भी सह के ऊपर वह अतिक्रमण कर लगा, वापिस भी जमीन अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार वह करता रहा, तो वह सुमेर जी के नाम वह जमीन कर दी। कह रहा SC ST के तहत है, जिसको आपने के बारे सुनवाई हो जाएगी। बार बार आए ही इकोमायने थाना में, अप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई सुनवाई को नहीं हुई। बाकी अब मैं कही कि भाई ये तो गलत है, अपना लड़ाई को नहीं होगी, तो मैं इन्हें वापिस इन्हें बेचो, तो वह ही जगह कोई बिरोल का राड करने बन बेचती, बाकी बन नोटेरी करवा दी। उसके बाद में अब यो जमीन को विवाद हो या कोई आपसी रंजिश ही, मान तो देखो साथ ध्यान ही को रहा, मैं तो चला गया हा कोटपूतली। कौन सा दिन या बात है, कितनी तारीख है? 9 तारीख की घटना है, 9 जुलाई। मैं तो उठे से करीब करीब सह परिवार कोटपूतली बैठने के लिए गया, अपने पुत्र वधु ही एक नानी खत्म हो गया, तो नानी ने बैठने के लिए मैं तो सारा परिवार बैठे चला गया। पीछे यह घटना हुई है करीब 12:30 बजे की बता रही। बी का मारकन जब मैं गया, बी का कन मैं जहाँ बसाओ में भी तेल लीन गाड़ी, 2 टोल भी क्रॉस करे ही, फिर मैं टोल प्लाजा यानी पेट्रोल पंप पर भी रुके हाँ। वापिस बड़े 12:30 बजे के लगभग मैं बड़े पहुंचगा, दोपहर की 12 बजे कोटपूतली पहुंचगा, और बड़े दाग में संलग्न होगा। फिर मैं 1:15 बजे के लगभग मैं वापिस चला बैठू, और 2:30-3 के बीच के मायने में होटल में रुके हाँ, बैठे रुके हाँ, बड़े चाय पानी पी है, नाश्ता पानी करियो है, फिर मैं बैठे हूँ। करीब मैं 4 बजे घर पहुंचा। तो थारकन ने मतलब भाई प्रशासन ने बंद तो प्रूफ चाहिए, सीधी सी बात है, तो थारकन ने को के प्रूफ है जो थे या फैसको की थारा हस्बैंड हमारे साथ में हाँ। भाई मारकन प्रूफ देखो, बसावा से पेट्रोल पंप पर तेल लियो है, बीकी माने पर्ची है, मैं नौलगढ़ का एक उदयपुर वाटी का एक टोल है वो की पर्ची है, फिर कोटपूतली का वो नरेड़ा बट्ठे में रुके हाँ, बिजा तेल वो क्रॉस करियो है वो पंप, सॉरी वो टोल, फिर वो सराउंड मनोरपुरा बैठे पेट्रोल पंप है, बिक ऊपर में रुके हाँ, पानी पेशाब करियो है, और फिर बैठे की मार्कन फुटेज है, साफ साफ नजर आ रहे हैं, हस्बैंड भी नजर आ रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहे हैं, मैं सभी उतरे हाँ। और जो होटल में रुके हाँ वह भी फुटेज वे होटल को मांगी, तो वे लोग बोला कि भाई मैं 3 दिन बाद में डिलीट हो जाए हमारो सिस्टम, तो थे कोई को निकलवा सको या हार्ड डिस्क क्या हुआ है माध्यम से निकलवा सको, तो निकलवा लो। अन्य मतलब गिरफ्तार कब कर रहे हैं? गिरफ्तार 10 तारीख ने शाम को की। तो प्रशासन ही सीधा ही आके? नहीं नहीं, प्रशासन है वो लगातार संपर्क कर रहे, सुमेर जी से लगातार संपर्क हो रहा है प्रशासन का, मेरे पास आए हैं, मेरे से पूछा है कि सुमेर जी कहाँ है, रात को सुमेर जी संपर्क हो रहे हो मतलब कि आगे? फोन से संपर्क हो रहा है की बात पर कि भाई आप मिलो हमारे पास आके मिलो आप, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, मैं तो कोई दोषी हूँ ही नहीं, तो मैं आ जाऊंगा, तो एक दो बार उनका फोन भी उठाया, उनसे बात भी की है, फिर वो रात को रुके घर पे खाना उना खा के, और बोला मैं तो LIC कर रहा हूँ, कोई LIC के लिए जा रहा हूँ, तो LIC ऐसा कह के वो निकल गए। फिर नरेड़ा में मैं पता नहीं कहाँ गए हैं, देखो मेरे को अभी हर बात थोड़ी बता के जाते हैं कोई, तो नरेड़ा में कोई LIC के लिए इधर गए हुए थे और पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। उनको पता ही नहीं था कि मेरे को गिरफ्तार कर रहे हैं। हस्बैंड मिला भी होगी? नहीं, गिरफ्तार बाद में नहीं, गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तारी के बाद में। तो थाने कब पता लगी हो कि भाई बाकी गिरफ्तारी होगी? माने वीडियो देख के, वीडियो रात को वीडियो आ गया उनका कि ये दो लोग हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया। खुशबू जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँ, मैं टीचर हूँ, मेरी चैनगढ़ गांव में ड्यूटी है, तो रोज मेरा वो जमीन का जो विवाद है उसी रास्ते से मेरा जाना है, तो भी जगह मान लो कोई भी मेरे रास्ते का मायने कोई हादसे हो जाए, तो भी कोई जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो हमारे खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं।
यो मामलो है तो इपर थे के बोलना चाहो कि भाई गलती की मेरे जो सुमेर सिंह जी मीणा मेरा चाचो लग गई ही बजी टाइम पर जो हा बटे हाल कोटपुतली गएड़ा बाकी सारी फुटेज और ये मैं दे रहा हाँ बन निर्दोष हा बन गिरफ्तार करो गए निर्दोष होने के साथ ही वहाँ 307 की धारा अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया गया है वो के बेसिस पर लगाया गया है जबकि पुलिस खुद भी बोल रही है कि मान जो ऑन स्पॉट है धारदार हथियार और कुछ भी कौन मिला बट ना बे खुद बैठे ही ना बन बैठे कोई धारदार हथियार मिले ही फिर भी वहाँ पर 307 लाग रही है के बेसिस पर लाग रही है। मैं तो यही कहना चाहवा कि ऊपर से नेता को प्रेशर है और नेता का प्रेशर पर ये जो अधिकारी ही और पुलिस वाला ही ये हमारे पर जबरदस्ती मार चाचा पर और जो निर्दोष लोग ही वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं एक एक दिन हमारे लिए बिताना मुश्किल हो रहा है जेल की सलाखा के पीछे मार्कन गारंटेड सबूत ही और मैं सिद्ध कर सका कि सुमेर सिंह जी 8:30-9 बजे चाले हो और बिचारों रिश्तेदारों का दाह संस्कार में गयो वह सारा सबूत मारकन ये आगे मान चाहो तो फोटो देख सको राधे श्याम जी अध्यापक जो बेचारा दौड़ा खेड़ा स्कूल के अंदर मौजूद था वहाँ पर उसकी हाजिरी है आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम होता है उसका नाम भी झूठ में अरे साहब 151 को मुकदमा को लगाओ तो गलत क्यों छोटी सी धारा का मायने एक इज्जतदार आदमी की इज्जत धूमिल होगी बिका परिवार का मायने कत्तो बड़ो संकटा को पार टूट रहे है बिकी रिश्तेदारी में बदनामी होगी लोग बोल रहे हैं कि जेल गए हो वह बदनामी वापस कहें लौट सके एक निर्दोष व्यक्ति जेल जाके किन किन सफाई दे तो कहने का मतलब ये है कि ये आनन फानन की कार्रवाई है हम मना नहीं कर रहे जिन लोगों ने भी ताबड़तोड़ वहाँ कोई हमला किया है या गाड़ियाँ लेके गए हैं कैंपर लेके गए वहाँ के खिलाफ होगा कार्रवाई जगह लेके गए हैं 500 लोगों के साथ में देख महिलाएं ही खूब लेडीजें ही आग बबूला हो रही आँखें के माने आंसू या बेटे गए पत्नी बार हो रही कि भाई झूठू क्यों कोई समझे कि भी ने झूठ का माने जेल डाल दी और भी वो अधिकारियों क्यों को नहीं हो मैं बह लोग हाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट था पिंडों को छोटा हाई कोर्ट जा रहे हैं 482 लगा रहे हैं कल SP से मिल के आए हैं कल IG से मिलेंगे 3 दिन का मायने अगर निर्दोष लोगों ने रिहा नहीं कराया निर्दोष लोगों को फंसाया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम बड़ा एक्शन लेंगे और बड़ी तादाद के अंदर थाने का घेराव करेंगे SDM कार्यालय पे आएंगे जरूरत पड़ी तो झुंझुनू भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो CM हाउस जाएं बाकी छोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक जमीन के विवाद का मामला है इस जमीन से सुमेर सिंह मीणा का कोई लेना देना नहीं है। सुमेर सिंह मीणा जहाँ तक हमारे पास वीडियो फुटेज है मैं दिखाना चाहूँगा आपको 8:52 पे उन्होंने बसावा से पेट्रोल डलवाया है अपनी गाड़ी में और वहाँ से वो 8:52 पे बसावा से पेट्रोल पंप से रवाना हुए हैं। तत्पश्चात 9:20 पे वो नांगल टोल टैक्स पे पहुंचे उनकी गाड़ी ने क्रॉस किया है नांगल टोल टैक्स को क्रॉस किया है उसके पश्चात आगे क्योंकि चला टोल टैक्स है टोल प्लाजा है वो बंद हो रहा है आगे वो कोटपुतली के पास में एक सलून टोल टैक्स है वहाँ पर 10:55 पे पहुंचे हैं 10:55 वहाँ पर पहुंचे हैं आगे एक NH फिलिंग स्टेशन है पेट्रोल पंप वहाँ पर ये सभी लोग गाड़ी से नीचे उतर कर फ्रेश हुए हैं वहाँ पर इन परिवार के वीडियो फुटेज हैं सुमेर सिंह मीणा के गाड़ी से उतरते हुए वीडियो फुटेज हैं गाड़ी में चढ़ते हुए फुटेज हैं वहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं पूरा परिवार वॉकिंग कर रहा है वो फुटेज हैं वापसी के उनके पास फुटेज हैं वापसी आते हुए 12:59 पर इनकी गाड़ी ने सरूंड टोल प्लाजा को क्रॉस किया है नीम का थाना की तरफ। अब ऐसा हो नहीं सकता कि एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में एक मतलब 12 बजे दूरी तय कर ले और वो आगे लड़ाई कर ले एक आदमी दो जगह तो नहीं हो सकता के बाद में के हुयो है जो दूसरो पक्ष हो बाकी साथ यहाँ को के विवाद हो की बाद में FIR भी करा दिया फसवा भी दिया एक्चुअली ये एक बड़ी साजिश और षड्यंत्र हो सकता है इसमें एक षड्यंत्र की बू आ रही है या प्रशासन कहीं कि किसी न किसी दबाव में है उसके कारण से सुमेर सिंह मीणा राधेश्याम गुर्जर और जो अन्य लोग हैं उनको बेवजह इस मुकदमे में घसीटा जा रहा है कि विडंबना है। विशेषतः उदयपुरवाड़ी पुलिस के बारे में कहूंगा कि किसी आदमी के कोई खरोंच तक नहीं है FIR करता ये कहता है कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहता मेरे पास कोई चोट नहीं है उसके बाद में 307 का मुकदमा 382 का मुकदमा चोट लगी की क्या किसी के नहीं लगी ना बात तो यही है जो बिल्कुल खरोंच लगी है खरोंच के लिए कह रहे हैं कि वो कोई नाई की दुकान से कोई आदमी कटिंग करवा के बाहर आ रहा था नरपत सिंह करके अब उनके साथ मारपीट करने वाले कोई अन्य लोग हैं लेकिन इनका क्या लेन देन है उसमें बिल्कुल इनको नाजायज फंसाया गया है पुरजोर इसकी हम भर्त्सना करते हैं विरोध करते हैं इस प्रकार के अत्याचार किसी के साथ किए जाएंगे तो ये समाज आदिवासी समाज मूल समाज ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। SP साहब से हम कल मिल के आए हैं आगे भी जरूरत पड़ेगी साहब को के खड़ो हो SP साहब का कहना था कि हमने उनको एक ज्ञापन दिया था उन्होंने कहा है कि हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे आप हमें वीडियो फुटेज वगैरह हमने उनको उपलब्ध करवाया है पेन ड्राइव और CD में उन्होंने कहा कि हमें जल्दी ही इसकी जांच करवाते हैं अगर निर्दोष हैं तो हम निर्दोष हैं तो उनको हम कार्रवाई करेंगे दूसरे प्रकार से कार्रवाई करेंगे। मान लो एक बार पुलिस थाना में जाके मिले भी उनके भाई
के आकी गलती है के थारकनिया को प्रूफ है जो को आने थे मतलब दिन सुसात के धर्म आने केद करे हैं। उदयपुर वाड़ी थाने में बहुत से लोग मिले हैं उनसे, सीआई मैडम से मिले हैं। उनका कहना ये था कि एक बार हम इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, क्या है क्या नहीं हुआ है ये जांच का विषय है, और बगैर जांच के किसको 307 में अरेस्ट करना, ये कहां का न्याय है? जो पुलिस प्रशासन है एकदम आंख मूंद के काम कर रहा है। मैं 9 तारीख को जब ये हादसा हुआ, 10 तारीख को मैं सुबह 10 बजे थाने आया, मैं थाने में आया तो 10 बजे मेरे को ये समाचार मिलता है। मतलब कहीं पूछना आया कि वो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और उधर और वे मेरे रिश्तेदार भी हैं। तो बताए होंगे? हाँ, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था तो मैं वहाँ गया थाने में, तो मैंने पूछा तो मैडम ने कहा कि 151 में अभी इनको पेश कर देते हैं। एक घंटे तक पेश नहीं, मैं दोबारा गया उनके पास तो मैडम बोलती है कि डिप्टी साहब आएंगे तब भी पेश करेंगे। डिप्टी साहब आते हैं, एक घंटा थाने में रुकते हैं, उन पर कोई राजनीतिक प्रेशर आता है, उधर करनी सेने का कोई अध्यक्ष आता है और वो धमकी वगैरह देता है, तो उन्होंने फिर दूसरी FIR दर्ज कर लेते हैं और उनको 151 में पेश करके और 307 में पेश कर रहे हैं। हम भी उनको दबाव मिलाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। यदि प्रशासन नहीं चेता, इनको निर्दोष लोगों के साथ न्याय नहीं किया, तो हम आगे आंदोलन बहुत बड़ा करेंगे। प्रशासन ने हम रिक्वेस्ट है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जो निर्दोष ही बने छोड़ दिया जाए और जो दोषी ही बाकी सजा होनी चाहिए। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो है लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नया हो चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।